हम लोग देखने जा रहे हैं यूनिट टू चैप्टर थ्री। यूनिट टू काइनेमैटिक्स है और चैप्टर थ्री, इसमें चैप्टर थ्री यूनिफॉर्मली एक्सीलरेटेड मोशन। यूनिट टू में टोटल 7 चैप्टर्स हैं, जिसमें से तीसरा नंबर चैप्टर यूनिफॉर्मली एक्सीलरेटेड मोशन है। 2023 नीट की बात करें तो 2 पेपर्स हुए थे, इस पूरे यूनिट से 8 क्वेश्चन पूछे गए थे, 8 क्वेश्चन, और सिर्फ तीसरे नंबर चैप्टर से यूनिफॉर्मली एक्सीलरेटेड मोशन से 2 क्वेश्चन पूछे गए थे। ये भी एग्जाम 1 में दोनों पूछे गए, एग्जाम 2 में कोई भी क्वेश्चन नहीं पूछे गए। ये हम लोग अभी स्टैट देख रहे हैं इस साल के एग्जाम का, ये रहा। अब हम लोग गौर करें टोटल अभी तक नीट में जितने एग्जाम हो चुके हैं उसमें से कितने क्वेश्चंस आए हुए हैं, तो उस चीज को गौर करते हैं। गौर किया जाए 1988 से एग्जाम स्टार्ट हुआ, इस साल 2023 तक 36 एग्जाम ईयर हो चुके हैं और एग्जाम 41 हो चुके हैं, 36 साल 41 एग्जाम, और यूनिट टू से टोटल 108 क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं, 108 क्वेश्चन, और इस साल जो एग्जाम हुए 2 इसमें 8 क्वेश्चन पूछे गए हैं। यही मेरे पास स्टैट है इसका। इस चैप्टर की बात करें तो इस चैप्टर में इस साल 2 एग्जाम में 2 क्वेश्चन हुए और अभी तक नीट में टोटल एग्जाम मिला करके 35 क्वेश्चंस पूछे गए, 35। तो इसका सॉल्यूशन अभी हम लोग देखने जा रहे हैं, अभी इसका सॉल्यूशंस देखने जा रहे हैं और ये 35 क्वेश्चंस का भी सॉल्यूशन हम लोग देखेंगे, इसका भी सॉल्यूशन हम लोग के पास है, इसको देखेंगे। लेकिन ये हमारे पास 1 ईयर कोर्स में है, 1 ईयर कोर्स, 1 ईयर कोर्स में ये टोटल 35 क्वेश्चंस है, साथ साथ पूरा है, साथ साथ पूरा है। हम लोग इस चैप्टर की बात कर रहे हैं, तीसरे नंबर चैप्टर की बात कर रहे हैं। तो ये मेरा पहला पार्ट था आज के वीडियो का, जिसमें हम लोग ये गौर कर रहे हैं जो किस प्रकार से इस चैप्टर का इम्पोर्टेंस रहा। तो ये अभी हम लोग स्टैट देख रहे हैं और ये हम लोगों का पहला पार्ट है, फर्स्ट पार्ट। सेकेंड पार्ट में हम लोग आगे बढ़ते हैं, देखा जाए सेकेंड पार्ट में हम लोग क्या लिए हैं। सेकेंड पार्ट में हम लोग कंटेंट्स लेते हैं, कंटेंट, कंटेंट, कौन कौन से टॉपिक्स हम लोगों को पढ़ने हैं, किस किस प्रकार से है, गौर किया जाए। ये चैप्टर कंटेंट है, सिनॉप्सिस है, रूपरेखा, आउटलाइन क्या है। तो यूनिट टू हम लोग बात कर रहे हैं काइनेमैटिक्स, चैप्टर थ्री यूनिफॉर्मली एक्सीलरेटेड मोशन, इसमें हम लोग टॉपिक 1 की बात करते हैं। तो पहला टॉपिक है मोशन हॉरिजॉन्टल टू अर्थ, अर्थ के हॉरिजॉन्टल अगर मोशन होता है उसको स्टडी इसमें करते हैं। टॉपिक 2 में है मोशन वर्टिकल टू अर्थ, वर्टिकली ऊपर नीचे अगर मोशन होगा तो उसको स्टडी करेंगे टॉपिक 2 में। और टॉपिक 3 है मोशन इनक्लाइन टू अर्थ, न हॉरिजॉन्टल है न वर्टिकल है, इनक्लाइंड प्लेन पर अगर मोशन हो रहा है तो इसको गौर करेंगे। तो ये मेरे पास टॉपिक है, इस तरह से मेरे पास क्या है, सब टॉपिक भी आएंगे, हर में सब टॉपिक आएंगे, इसे सब टॉपिक कहेंगे। तो वो हम लोग इन डिटेल्स में देखेंगे 1 ईयर कोर्स में टोटल फॉर्मूला के साथ। अभी ये इतनी दूरी में है,
लेकिन 1 ईयर कोर्स में ये 2-3 पेज में आ जाएगा और जितने भी क्वेश्चंस में फार्मूला की जरूरत पड़ी है वो सब इसमें सिनॉप्सिस में आपको दिखाई पड़ेगा। तो आइए अब हम गौर करें इस साल की बात। तो इस साल जो हम लोग 2 क्वेश्चन देखने जा रहे हैं तो एक इससे है मोशन हॉरिजॉन्टल टू अर्थ है और एक मोशन वर्टिकल टू अर्थ है। यही दो क्वेश्चन अभी हम लोग देखने जा रहे हैं, एक मोशन हॉरिजॉन्टल टू अर्थ और एक मोशन वर्टिकल टू अर्थ। अब आइए हम लोग, ये मेरा सेकेंड पार्ट था, ये हम लोग अभी सेकेंड पार्ट देख रहे हैं। सेकेंड पार्ट में हम लोग क्या देख रहे हैं, कंटेंट देखते हैं, कंटेंट सिनॉप्सिस। ओके, और अब हम लोग आते हैं थर्ड पार्ट पे जहां हम लोग सॉल्यूशन देखेंगे। सॉल्यूशन, दोनों क्वेश्चन का सॉल्यूशन बारी बारी से हम लोग देखने जा रहे हैं। आइए क्वेश्चन देखते हैं फिर इसका सॉल्यूशन देखेंगे। आइए ये सवाल का डिस्कशन हम लोग पहले भी कर चुके हैं, पिछले वीडियो में दिया हुआ है, गौर कीजिए। अब यहां देखा जाए, बुलेट है जो गन से निकल रहा है, एक रेक्टेंगुलर वुडन ब्लॉक में इन किया स्पीड यू से 24 सेंटीमीटर जब ट्रेवल करता है हॉरिजॉन्टली तो स्पीड हो गया u/3। कितना दूर उसके बाद वो फर्दर पेनिट्रेट करता है, जाता है आगे ब्लॉक में उसी डायरेक्शन में और वो रेस्ट में आ जाता है, कहां, एंड ऑफ द ब्लॉक में, तो टोटल लेंथ कितना होगा ब्लॉक का, कितना लेंथ होगा। इसको अगर हम लोग गौर करें तो ये हम लोग किस में था, यूनिट तो हो गया क्या काइनेमेटिक्स 2, चैप्टर हो गया 3 यूनिफॉर्मली स्टेटेड मोशन, और टॉपिक की बात करें तो हॉरिजॉन्टल मोशन की बात हो गई, हॉरिजॉन्टल मोशन में आ गया, हॉरिजॉन्टल मोशन, हॉरिजॉन्टल टू अर्थ। अब हम लोग इसके सॉल्यूशन को गौर करते हैं, सॉल्यूशन को गौर करते हैं, एक फिगर बनाते हैं क्वेश्चन के हिसाब से। क्वेश्चन कहता है जो आपके पास एक ब्लॉक है, ये आपके पास ब्लॉक है, ये रेक्टेंगुलर ब्लॉक है, यह एक रेक्टेंगुलर ब्लॉक है, रेक्टेंगुलर ब्लॉक है, इसमें एक बुलेट जा रहा है यू स्पीड से और जब यह ट्रेवल करता है कितना 24 सेंटीमीटर, तो इसका स्पीड हो गया यहाँ पे u/3 और फर्दर कुछ दूरी जब ये गया तो इसका स्पीड हो गया 0। तो अब हम लोग यहाँ पे गौर करेंगे तो हमें टोटल लेंथ पूछ रहा है, ये कितना बड़ा था ये विड्थ में, तो हम लोग इस पॉइंट को a मान लें, इसको b मान लें। तो पहले हम लोग ए बी पाथ पे बना लेंगे, फिर हम लोग क्या ले लेंगे ए से सी, ए सी पाथ ले लेंगे, टोटल लेंथ निकल जाएगा, ए बी पाथ और ए सी पाथ। तो इस तरह से हम लोग एल निकाल लेंगे, मोशन रिटार्डेड मोशन होगा या मोशन स्पीड घटते जाता है, तो रिटार्डेड, जिसे डेसिलरेटेड भी कहते हैं, डेसिलरेटेड, डेसिलरेटेड मोशन, डेसिलरेटेड मोशन है। तो यही हम लोग का फिगर बना। अब फॉर्मूला की बात करें, फॉर्मूला की बात करें, गौर कीजिए, फॉर्मूला के साथ यहां आ गया है, आइए देखिए क्या कहता है। वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2 AS फॉर्मूला हम लोग लगाए, पहला स्टेप कहता है, दूसरा कहता है पहला पाथ लीजिए। अगर हम लोग पहला पाथ अभी गौर के फिगर में ए बी पाथ लेते हैं तो जब वो ए से चलता है और बी पे पहुंचता है, ए से चला बी पे पहुंचा, तो यू इनिशियल वेलोसिटी और u/3 फाइनल वेलोसिटी। और अगर रिटार्डेशन अगर हम ए मानते हैं तो देखिए वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर, ये रिटार्डेशन है तो माइनस ए है, स्पीड घटता जा रहा है, यू स्क्वायर माइनस 2 AX1, इस दूरी को हम लोगों ने क्या मान लिया, X1 मान लिया, जो हमारे पास दिया हुआ है 24 सेंटीमीटर X1। तो इससे क्या हुआ, कैलकुलेट कर दिए तो 2 AX1 बराबर 8 U² / 9 आ गया।
चूंकि यू स्क्वायर बाई नाइन माइनस यू स्क्वायर। स्टेप टू हो गया। स्टेप थ्री में हम लोगों ने क्या किया, होल पाथर लिया फ्रॉम स्टार्टिंग पॉइंट। तो हमने कहां से कहां तक ले लिया, ए से लेकर के सी ले लिया, ए से लेकर के सी, और ए पर स्पीड यू था, सी पर स्पीड क्या हो गया जीरो हो गया, और रिटार्डेशन ए है, और लेंथ, लेंथ हमने क्या मान लिया इसको, इस पूरे लेंथ को मैंने क्या मान लिया x2 मान लिया। देख लिया जाए तो v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर माइनस 2a, चूंकि रिटार्डेशन है तो 2ax2 इज इक्वल टू u स्क्वायर हो गया। तो इस प्रकार से हमारे पास क्या हो गया, ये दो इक्वेशन निकल गया, और दोनों का रेशियो अगर निकाल देंगे स्टेप फोर में तो x1 by x2 मेरे पास क्या आ गया 8 by 9 u square कट गया। अब x2 की बात करेंगे तो x2 हो गया, अगर रेशियो में पूछा जाता तो इस तरह से आंसर आता, लेकिन चूंकि x1 दे दिया गया है वैल्यू डाल दिए 8 3 27 सेंटीमीटर 9 3 जाता, इस प्रकार से आंसर क्या आ गया 4 नंबर आंसर आ गया, यही करेक्ट आंसर है। तो गौर किया जाए कैसे कैसे हम लोगों ने इसे बनाया। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, सेकंड क्वेश्चन, ये हम लोगों का दूसरा और लास्ट क्वेश्चन है जो इस बार पूछा गया है। इस क्वेश्चन को गौर किया जाए, ये मोशन वर्टिकल टू अर्थ है, अंडर ग्रेविटी मोशन के बारे में ये है। रिवर के ऊपर में एक हॉरिजॉन्टल ब्रिज है, रिवर के ऊपर में हॉरिजॉन्टल ब्रिज है, एक लड़का ब्रिज पर से एक स्मॉल बॉल को ऊपर की ओर फेंकता है, वेलोसिटी है 4 मीटर पर सेकंड। बॉल स्ट्राइक करता है वाटर सरफेस पर 4 सेकंड के बाद, फेंकने के 4 सेकंड के बाद, तो हाइट क्या होगा ब्रिज का, कहां से, वाटर सरफेस से, जी का मान 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर लेना है। ये वर्टिकल मोशन का सवाल है, मोशन हॉरिजॉन्टल टू अर्थ, मोशन वर्टिकल टू अर्थ, मोशन इंक्लाइन टू अर्थ, तो मोशन वर्टिकल टू अर्थ का ये सवाल है। तो इसका फिगर हम लोग बनाते हैं, अब फिर गौर करते हैं ये कैसे है, देखा जाए। इसका पहले हम लोग फिगर देखते हैं और अकॉर्डिंगली फॉर्मूलाज कौन सा लगा। चलिए इस फोटो को हम लोग यहां बनाते हैं, यहाँ पे गौर करते हैं। ये मेरे पास यहाँ वाटर सरफेस है, ये वाटर का सरफेस हो गया, और ये हमारे पास ब्रिज हो गया, ब्रिज, ये ब्रिज है और ये वाटर है, ये वाटर है। ब्रिज पर से एक बॉल को प्रोजेक्ट किया गया ऊपर की ओर और वो गिरता है, तो यही हाइट हमसे पूछ रहा है, कितना हाइट है, कितना हाइट है, ये ऊपर यू से इसको फेंका गया, और टाइम भी दिया हुआ है, टी दिया हुआ है, यू भी दिया हुआ है और टी भी दिया हुआ है, और जी का भी वैल्यू दिया गया है, जी का वैल्यू कितना दिया गया है 10, ये भी दिया हुआ है, तीनों चीज दिया हुआ है, तो हमें कहता है एच कितना होगा, हाइट क्या होगा, ये निकालिए। तो यहां अगर हमारे पास एस दिया रहे, यू दिया रहे, और सॉरी यू दिया रहे, ए दिया रहे, टी दिया रहे, तो एस निकल जाएगा। फॉर्मूला क्या होता है, जो फॉर्मूला हम s बराबर ut प्लस हाफ at स्क्वायर के रूप में गौर करते हैं, एक्चुअली यह स्केलर फॉर्मूला नहीं है, ये वेक्टर फॉर्मूला है, तो इसे समझना चाहिए s बराबर ut प्लस हाफ a और t स्क्वायर। अब यहां पे साइन कॉन्वेंशन हमें लेना पड़ेगा, अब यहां से साइन जो किधर प्लस ले और किधर किधर माइनस ले, अब गौर किया जाए, अब हम ऊपर की ओर, अगर ऊपर की ओर क्या ले ले, पॉजिटिव ले ले, तो निश्चित है नीचे की ओर क्या लेना पड़ेगा, निगेटिव लेना पड़ेगा। गौर कीजिए, तो U ऊपर की ओर है, तो U किस में आ जाएगा, U आ जाएगा पॉजिटिव में, तो ये प्लस 4 आ जाएगा। चलिए T क्या है, स्केलर है, तो ये तो
प्लस में ही रहेगा, इसमें तो माइनस का कोई स्कोप है ही नहीं। जी नीचे की ओर है, जी नीचे की ओर है, तो जी में क्या आ जाएगा, यहाँ निगेटिव आ जाएगा। गौर किया जाए यही चीज। आइए कैसे, एस एच एच निगेटिव में, चूंकि नीचे है एच, एच नीचे है तो एच जो हो जाएगा वो निगेटिव में आ जाएगा। तो एच निगेटिव, यू पॉजिटिव, टी स्केलर हाफ, जी निगेटिव 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 और टी स्क्वायर चार का स्क्वायर। गौर कीजिए माइनस एच इजकल टू 16 माइनस 80, तो एच इजकल टू 64 मीटर। तो एच का वैल्यू क्या आ गया हमारे पास 64 मीटर। ये मेरे पास यू चार दिया था, ये चार दिया था, ये दस दिया था, एस आई में। हम जब इस फॉर्मूला का यूज किए तो एक बार में आ गया और आंसर हमारे पास क्या आ गया, ऑप्शन नंबर तो यही करेक्ट आंसर है। तो देखिए इस तरह से हम लोगों ने क्या किया, ये दो क्वेश्चन जो पूछा गया था यूनिफॉर्मली एसिलेटेड मोशन में, इसको हम लोगों ने क्या कर दिया, सॉल्व कर लिया। अब हम लोगों का टारगेट होना चाहिए जो यूनिफॉर्मली एसिलेटेड मोशन में जो टोटल 35 क्वेश्चन पूछे गए हैं उसमें कौन कौन से फॉर्मूला लगे हैं, किस किस टॉपिक और सब टॉपिक से है, ये तो पता हो गया जो यूनिट टू काइनेमेटिक्स के यूनिफॉर्मली एसिलेटेड मोशन चैप्टर से है। चैप्टर के बाद टॉपिक आएगा, फिर सब टॉपिक। तो इसमें कौन कौन से टॉपिक से क्वेश्चन है और क्या क्या सब टॉपिक है, वो कौन सा फॉर्मूला है, इसे इन डिटेल्स में हम लोगों को गौर करना पड़ेगा, वहां हम लोग मिलेंगे। अब हम लोग आगे की ओर चलते हैं।